नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आर्मी अग्निवीर के जो फिजिकल हो रहे हैं इनको कैसे पास करना है। और जिस ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं वो बैरोड वाला ग्राउंड है, जो बैरोड में ग्राउंड बना हुआ है आर्मी भर्ती के लिए, उस ग्राउंड में जो दौड़ लगाई जा रही है। तो बच्चे 400 के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि ग्राउंड 400 मीटर का है या कम है, 5 चक्कर क्यों कटवाए जा रहे हैं, ये सारी डाउट है। किसी की हाइट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, डॉक्यूमेंट्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चों क्यों निकाला जा रहा है, इतनी ज्यादा हाइट क्यों ली जा रही है, इन सब बातों को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने आया हूं। ग्राउंड की स्थिति क्या है, अपने की मापदंड जो हमें दिए गए हैं वो मापदंड क्या है, इन सब बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हर बच्चे तक ये बात पहुंचे। जो आगे भी भर्तियां होगी उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगा। जो बच्चे फेल हो गए हैं, जैसे 1-2 दिन हो गए भर्ती को चलते हुए, तो 2 दिन में जो बच्चे फेल हो गए वो निराश न हो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी भर्तियां हैं। इन सब बातों को अपन यहां चालू करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड की बात करता हूं कि ग्राउंड कितना है। तो ये 1600 मीटर का ग्राउंड है। कितने मीटर का ग्राउंड है? 1600 मीटर। कौन से ग्राउंड की बात कर रहा हूं? बह रोड के ग्राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1600 मीटर का ऐसा ग्राउंड बना हुआ है और एक राउंड जो उसमें दिया गया है वो 320 मीटर का है। अर्थात 1600 मीटर पूरी करने के लिए आपको कितने राउंड करने पड़ेंगे? 5 राउंड आपको यहां पर लगाने पड़ेंगे। यानी जहां से अपन स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर चौथा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर पांचवा राउंड कंप्लीट हो गया। और पांचों के पांचों राउंड आपको पूरे करते हो तो आपको कितनी? 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट हो जाती है। यानी 320 इंटू 5 राउंड करने हैं। इन राउंडों के लिए जो टाइम दिया गया है वो टाइम आपको यहां पर बताया गया है। टाइम कितना है? 5:30 आपको यहां पर डेफिनेटली टाइम की बात है। और 10 पुशअप जो आपको करने पड़ते हैं यहां पर उनकी है, लड़कियों के लिए, या सॉरी टेक्निकल जो कलरक वाले हैं उनके लिए ये है। कलरक की अब चालू हो रही है दौड़, ऐसे पास करनी है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में आप मुख्यतः देख रहे हो तो ये बिल्कुल सूखा, अभी तो इसको कैसा बना दिया गया है वो मैं दिखाई बताऊंगा। यहां से आपकी दौड़ प्रारंभ की जा रही है और बच्चा एक चक्कर लगाने में अगर टाइम लेता है, अगर बच्चे की दौड़ 5 मिनट के आसपास है, 5 मिनट 10 सेकंड है या 4 मिनट 50 सेकंड है, तो उस बच्चे को पहला राउंड कंप्लीट लगभग 55 सेकंड में कंप्लीट कर लेना है। कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेना है? 55 सेकंड में अगर कोई बच्चा कंप्लीट करता है फर्स्ट राउंड, 55 से 1-2 सेकंड कम रहे बहुत अच्छी बात है, 1-2 ज्यादा भी रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला राउंड में आप 60 सेकंड ले सकते हो। कितने सेकंड ले सकते हो? 60। उससे अगले जो राउंड में है आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 65 सेकंड ले सकते हो। और उससे जो अधिक राउंड है उसमें आप 67 से 68 सेकंड ले सकते हो, और लास्ट राउंड है उसमें आप 60 सेकंड ले सकते हो। अब अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं या यहां तक पहुंचते हैं तो देखो 2 मिनट तो यहां हो गई और दौड़ दो 4 मिनट यहां हो गई। कितनी मिनट हो गई? 4 मिनट हो गई भाई, 8 सेकंड ये बच गई और तो ये 1 मिनट और 8 सेकंड और हो गई। तो 5 मिनट और 8 सेकंड पर लगभग आप एक्सीलेंट के रूप में वहां पर आ सकते हो। ये एक अच्छे दौड़ने वाले बच्चे के लिए, एक अच्छी दौड़ लगा रहा है बच्चा, उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। लास्ट वाले में आपको जोर लगाना है, और भी कम कर सकते हो तो आपकी बहुत अच्छी बात है, और भी अगर एक एक सेकंड यहां कवर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट तक आप बिल्कुल एक्सीलेंट के आसपास पहुंच जाते हो। नॉर्मल थी बच्चा है तो 5:25 के करीब इस दौड़ को कंप्लीट कर लेता है, इतना टाइम भी दिया जा रहा है। जहां तक मैंने देखा कि कभी 9 बच्चे पास हो रहे हैं, कभी 10 बच्चे पास हो रहे हैं, कभी 12 बच्चे पास हो रहे हैं, कभी 13 बच्चे पास हो रहे हैं, यानी एवरेज 10-12 बच्चे एक बार में पास हो रहे हैं। एक साथ 200 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। एक साथ कितने बच्चों को दौड़ाया जा रहा है? 200 बच्चों को यहां पर दौड़ाया जा रहा है। तो बहुत सही स्थिति में है यहां से। अब कुछ बच्चे जो गलत कर रहे हैं ग्राउंड में वो हो क्या रही है, मैं उनकी बात करता हूं। थोड़ा सा मैं वापस आता हूं यहां पर फिजिकल के लिए दायरे क्या क्या होंगे। तो ये आपके सामने है कि ग्रुप फर्स्ट में जो जनरल जीडी के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। जो बीम निकलवाए जाएंगे वो 10 हैं,
छह पर पासिंग मार्किंग है, फिर ज्यादा ज्यादा अंक मिलते रहते हैं। वैसे टेक्निकल स्टोर कीपर इनके लिए वही 1.5 किलोमीटर की दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ है, 5:45 का यहां पर टाइम दिया गया है। सेकंड जो है जो बीम लगवाए जाए हैं वो 6 से 9 है। उम्र की सीमा 17.5 से है, अगर 18 साल से कम किसी की उम्र है तो वो एफिडेविट लेके जाए, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 से 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। यहां पर वो छूट 2 साल की आपको जो मिली है यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। आगे देखो इस किस जिले से कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया है या भाग जो रजिस्ट्रेशन करवाया है। अलवर जिले की बात करूं तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, 34,310 ने। भरतपुर से बात करें तो 24,645 ने, और धौलपुर से बात करें 8,704 ने। कुल बच्चों की संख्या यहां पर है 67,665 बच्चे यहां दौड़ लगाने पहुंचेंगे। यह संभावना है कि 2-4% एबसेंट भी रहे तो लगभग 60,000 बच्चों के बीच में से यहाँ फिजिकल होगा। और जिस प्रकार से बच्चे पास किए जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से टोटल दिनों में 1,000 के लगभग बच्चों को ही पास किया जाएगा। ये बच्चे लगभग यहां पर पास होने की संभावना है जिस प्रकार से रिजल्ट जारी हो रहा है। अब देखो ये आपको ये डाउट तो कंप्लीट हो गया होगा कि जो एक राउंड है वो 320 मीटर का है, 400 का नहीं है। बच्चों की जो प्रैक्टिस थी वो 400 मीटर पर थी, तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि 4 चक्कर काटने के बाद अपने आप को अथाह महसूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दूरी कम है तो 320 मीटर का एक है तो 5 दे रखा है। ग्राउंड आपका बहरोड वाले की बात कर रहा हूं मैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। और अभी तक जो भर्ती में यह है, मैंने एक चीज लिखी है यहां, भर्ती के अंदर हो रही है मनमानी। ये मनमानी वाली बात यह है कि कुछ बच्चों के साथ जो समस्या आ रही है, तो आप ये ग्राउंड तो आपको दिख रहा है, मैंने ग्राउंड का मैप लिया है थोड़ा सा जो फिजिकल होता हुआ है, वहां से एक मित्र की वीडियो से मैंने ये कट किया है। तो देखो एक तो हाइट प्रॉब्लम आ रही है, हाइट जो प्रॉब्लम आ रही है 170 उन्होंने हाइट बता रखी है, 170 सेंटीमीटर हाइट बता रखी है। मगर इस हाइट पर भी कोई बच्चा है उसको भी निकाला जा रहा है। जहां तक बच्चों की ओपिनियन पोल है तो 173 से ऊपर वाले बच्चे हैं वही पास हो रहे हैं, वही क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, यानी जिसके 170 है 172 है उन बच्चों को तो सीधे सीधे ही आउट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि एक तो जो भर्ती है उसको अग्निवीर का नाम दे दिया गया, भर्ती की 4 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हो, जो बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है उसकी 171 है 170 हाइट है, वो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ क्या हुआ होगा, उसकी तैयारी पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, उसके घर वाले पिछले 3 साल से उसके फिजिकल के लिए, जैसे देखो जो बच्चा आर्मी का फिजिकल कर रहा है उसका खान पीन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अमूमन एक बच्चे पर अगर आप ग्रामीण प्रवेश का बच्चा भी है तो 3 से 4 हजार मंथली सीधा सा खर्च आता है उसका खाने का। सुबह शाम बच्चा दूध भी ले रहा है, केले भी खा रहा है, चने भी भिगो के खा रहा है, काजू किशमिश बादाम जो भी उसके खाने के पौष्टिक तत्व है, जूस भी पी रहा पर डे। तो एक नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप मानोगे तो 100 रुपए पर डे का खर्चा हो रहा है। पिछले 3 साल से बच्चा अगर कंटिन्यू कर रहा है तो 1-1.5 लाख रुपए तो एक ऐसे परिवार ने वहन किया है जिनकी क्षमताएं नहीं थी। फिर ऐसे बच्चे जिनकी लास्ट उम्मीद थी कि चलो अग्निवीर हो गए तो भी तो मैं लगकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति तो मैं सुधार पाऊंगा, या एक मेरा सेना में जाने का जो जज्बा है उसको मैं पूरा कर पाऊंगा, कि मेरा उद्देश्य ही केवल देश सेवा है, मैं 25% में आऊं या नहीं हूं वो कोई मायने नहीं रखता। फिर भी उन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत ही गलत है। और अब इसकी किस प्रकार से हम विरोध भी करें, क्योंकि हम सेना का ही विरोध करेंगे तो ये हमारे लिए या हमारे देश के सम्मान के लिए अच्छी बात नहीं होगी। फिर भी मैं विशेष निवेदन करूंगा उन जो सेना के अधिकारियों के, इस पर विशेष ध्यान दें, मेरा वीडियो उन तक पहुंचा है कि इस पर विशेष ध्यान दें कि बच्चे जितने अपने जो बच्चों को छांटना है यहां से छांटिए। जो कमजोर है वास्तव में उनकी हाइट में नहीं आ रहा है, जो पुशअप नहीं लगा पा रहा है यानी बीम वीम नहीं लगा पा रहा है, आप उसे आउट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर जो वास्तव में फिट बच्चा है, वास्तव में जिसने 3 साल परिश्रम किया है, वो उन सब मापदंडों को पूरा कर रहा है, फिर भी आप उसे निकाल रहे थे, ये उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है, उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट है, उनके जो देश सेवा का जज्बा है
उसको तोड़ने का प्रयास आप ना करें, क्योंकि आप भी हमारे लिए सम्मान्य हो, आपको भी हम सलूट करते हैं, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, हम तो आपका इतना आदर करते हैं कि अब हम बयां नहीं कर सकते। फिर भी हमारे जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसको पर्टिकुलर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अगर एक बच्चे की 1.73 हाइट है तो उसको क्यों निकाला जा रहा है, 1.72 हाइट है उसको क्यों निकाला जा रहा है। क्योंकि जैसे मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, कुछ बच्चों ने कहा सर मेरा टाइम 4:40 आ रहा था घर पे ग्राउंड पे, अब 4:40 से टाइम लाने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। सर एक बार इस बात को सोचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अमूमन बच्चे की 5:30 से ज्यादा ही टाइम रहता है। अगर 4:40 से 4:45 4:50 जिस बच्चे का टाइम आ रहा है, उसने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है एक एक सेकंड कम करने के लिए, कि कभी उसका 4:50 आ रहा था, फिर उसने और ताकत लगाई और प्रैक्टिस की, उसको 4:45 किया, फिर और प्रैक्टिस की उसको 4:40 किया, और अब आर्मी की भर्ती आई और दौड़ने से पहले ही 1.71 हाइट होते समय भी उसको आउट कर दिया गया। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है? ये अगर आप ये ऐसा करोगे तो और बच्चों के साथ होगा ही ऐसा, और बच्चे हताश और हो जाएंगे। देखो जहां तक मेरी बच्चों से वहां बात हुई है, तो मेरे को जो टाइम बताया गया है अलवर सेना भर्ती दौड़ में 5:30 टाइम दिया गया, पूरा टाइम दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि पूरा का पूरा टाइम दिया जा रहा है। और एवरेजन है, जो एक्सीलेंट है वो 5:15 पे आ रहा है, तो जो मैंने आपको पोल बताया है वो एक एक्सीलेंट बच्चे का था, तो ये आराम से। और बहुत सारे बच्चे जैसे हर ग्रुप में एक ग्रुप में 3 भी बच्चे एक्सीलेंट आए, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका परिश्रम उनकी मेहनत बोल रही है। ये जो इतने इस कवर में यहाँ पर टाइम कवर कर रहा है, अब सोचो जो 4:40 पर 4:45 का टाइम देने वाला बच्चा था वो 1.71 हाइट होते समय भी आउट हो गया, तो उस पर क्या बीती होगी। वो तो अपने आप को सेना का जवान मानकर वहां आया था कि ये मेरी अग्नि परीक्षा है, मैं इसको पास करके अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपने देश सेवा का जो सपना मेरे अंदर है मैं उसको पूरा करूंगा, मैंने अपने माता पिता ने जो मेरे माता पिता ने सपने देखे मैं उनको पूरा करूंगा, जो मेरे गांव ने जो मेरे देश ने सपना देखा है मैं उसको पूरा करूंगा। मगर सब कुछ होते हुए भी आप उसे आउट कर रहे हो, उसको ये कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। ग्राउंड की स्थिति आपको साफ नजर आ रही है, ये बिल्कुल ग्राउंड की फोटो ली गई है, पूरा ग्राउंड जो बच्चा वहां फिजिकल पर गया होगा उसको दिख रहा होगा, ये पूरा यहां से जो दौड़ का प्रारंभ होता है और पूरे बच्चे यहां ये पूरा 5-5 राउंड मार रहे हैं, यानी 5 राउंड और एक राउंड 320 मीटर का, 1600 मीटर की ये दौड़ है और 5:30 का आपको यहां पर टाइम है दिया गया है। जो ये दोनों इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां जैसे मेरे बच्चों से बात हुई कि वहां जो सेना के अधिकारी थे उनका बर्ताव कैसा है, तो उन्होंने कहा सर बर्ताव बहुत अच्छा है, व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, अपने कार्यशैली के अनुसार वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बस सर कमी है तो सिर्फ एक कमी है कि जो हमारी हाइट पूरी है फिर भी हमें आउट किया जा रहा है। अब रही डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी बात, तो वहां देखो आर्मी के बाहर की तरफ ही ये बिल्कुल फोटो लगी हुई है, वहां से बच्चा कोई भी ये उन्होंने पहले ही लगा रखा है, एक दिन पहले से ही लगा दिया था कि प्रवेश द्वार पर सत्यापन के लिए जो है ये सारे के सारे, वैसे मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बच्चे लेकर जाए, जो है जिनके पास नहीं है, जिनके आगे 2-4 दिन में भर्ती होने वाली है वो देख ले, अन्य जिले के भी बच्चे हैं वो भी ये चीजें देख लें कि यहाँ तो जो भर्ती हो रही है वो एक तो अलवर जिले की हो रही है, एक भरतपुर की हो रही है और एक धौलपुर की हो रही है, और अलग अलग दिन किन किन की भर्ती हो रही है मैं थोड़ी से ये भी बता दूं आपको कि कब किसकी भर्ती है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 10 तारीख को अलवर और जिले की भर्ती हुई है, अलवर में किशनगढ़ निमराना और नारायणपुर की भर्ती हुई है, और भरतपुर में पहाड़ी जो क्षेत्र था उसकी भर्ती हुई है, फिर 11 तारीख को भरतपुर की केवल भरतपुर के जो लगभग तहसील लेते हैं उनकी भर्ती है, फिर 12 तारीख को भी भरतपुर की भर्ती है, 13 तारीख को अलवर की है, 14 तारीख को अलवर और भरतपुर दोनों की है, फिर 15 तारीख को अलवर भरतपुर धौलपुर तीनों के बच्चे आएंगे, कुछ तहसीलें जो सबके यहाँ तहसीलें दे रखी, ये PDF चाहिए आपको तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बाई स्टडी ज्वाइन कर दीजिए, जो बिल्कुल कैपिटल लेटर में है BYSTUDY, अगर ये आप जाकर ज्वाइन करोगे तो वहां से ये PDF आपको मिल जाएगी, ये पूरा का पूरा आप कहाँ कब कब किसकी किसकी भर्ती है, कितने बच्चे दौड़ लगाएंगे वो सारी चीजें आपकी, ये ग्राउंड आपका बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा होगा, तो ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने हैं, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई कमी नहीं है, बच्चे खुश भी हैं इन चीजों से, भाई ग्राउंड अच्छा मिला है,
ये देख लीजिए इस ग्राउंड पे जो मापदंड है, और मैं इस ग्राउंड की देखो थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ कि ग्राउंड की वीडियो हमारे पास से जो उपलब्ध हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये ग्राउंड की वीडियो है, आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, ये वीडियो है। और ये देखिए ग्राउंड का पूरा जो हमने वहां पर लिया था, ये जहां तैयारी हो रही थी तो उसको मैंने पहले जाकर वहां देखा, तो ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, छोटा सा एक वीडियो बनाया था, ये पूरा है। तो उस समय तो लग रहा था कि ये 400 मीटर का है, मगर बाद में जब पता चला तो ये 320 मीटर का है। तो इसके लिए भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल यहां पर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। तो ये ग्राउंड भी आपका यहां से दिख रहा होगा, और अब जो बच्चे फिजिकल फिट होते हैं, मैं उनके लिए विशेष है, जो बच्चे फिजिकल में फिट होते हैं और कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज आपके लिए जो पास होकर, पहली बात है किसी दलाल के चक्कर में नहीं आए, कोई आपको पास नहीं करवा सकता, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत से आपने दौड़ पूरी की है, तो आप नौकरी भी है ना मेहनत से ही लगोगे, इसमें कोई दोराय नहीं है कि कोई दूसरे, क्योंकि आर्मी में बहुत ज्यादा होता है कि ऐसे है ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ठगा है, धोखा है, अग्निवीर है, 4 साल की नौकरी कर रहे हो, किसी के बहकाव में मत आओ। सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी अलवर के साथ है। आप राजस्थान से कहीं से भी दौड़ पास करते हो, आप हमारे पास आइए। स्पेशल आर्मी बैच, हमने सबसे बड़ी बात है अलवर जिले परिक्षेत्र में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, राजस्थान में टॉप मोस्ट सिलेक्शन वाली कोचिंगों में से हमारी कोचिंग एक है, जिसमें GD कलर टेक्निकल और ट्रेडमैन के हम बैच चलाते हैं, नाइट और डे दोनों बैच, डे नाइट बैच मिलेंगे आपको। प्रत्येक दिन जिस दिन से आपका एडमिशन होगा, जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उनका सबका टेस्ट है, और जैसे ही 50% कोर्स होगा डेली आपका टेस्ट चलेगा, डेली आपकी प्रैक्टिस सीट चलेगी, और बैठने के लिए एक AC युक्त लाइब्रेरी भी आपके लिए हमने बना रखी है। अब तक हमने अलवर में 1963 सिलेक्शन दिए हैं। मैंने यहां भी एक बात लिखी है कि दलालों से सावधान रहिए, आपको भर्ती नहीं करा सकते, सिर्फ भ्रमित कर सकते हैं, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए। जो पिछली GD आर्मी की भर्ती थी उसमें हमारे जो सितारे, आपको देखो फोटो कम ही लगाए हैं मैंने, वैसे भी बहुत सारे है, बता रहा हूं ना, अब तक हमने 1963 सिलेक्शन दिया है, जिसमें ये आर्मी GD का स्पेशल बैच है, कलरक ट्रेडमैन टेक्निकल का ये स्पेशल बैच है, इन पर भी आप है। तो आइए मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं, किसी के जाल में नहीं फंसना चाहते, तो मत्स्य आपका स्वागत है करती है। फिजिकल की बात करूं, 2 दिन में हमारे 4 बच्चों ने फिजिकल किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारी जो फिजिकल टीम थी उसको, कि हमारे अभी तक 7 बच्चों ने दौड़ में भाग लिया, जिसमें 3 बच्चे ही फेल हुए हैं, और वो भी बहुत कम अंतर से। फिर भी मैं उन्हें कहना चाहूंगा कोई बात नहीं बेटा अगले में, और जो हमारा पहला सितारा था वो दीपक यादव हैं, जिसने हमारा नाम रोशन किया, शुरू में फर्स्ट डे और फर्स्ट बैच में उसने बहुत अच्छी दौड़ की, उसके लिए वो बधाई का पात्र है, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। तो आपको जो भी सूचना चाहिए, जो भी बात और कुछ पूछना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या यहाँ पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके प्रत्येक जो समस्या है उसका जवाब दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जिनका फिजिकल हो गया है, किसी दलाल के बहकाव में नहीं आकर पढ़ाई पर आज ही लग जाइए, क्योंकि दलाल आपको भ्रमित करेंगे, सिलेक्शन नहीं देंगे, सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कल या परसों मेरे पास जो भी सूचना आएगी उसका वीडियो मैं आपको भेजूंगा। बच्चे यहाँ जो जितने भी ग्राउंड थे उसमें 400 का चक्कर लगा रहे थे, वहां 500 का चक्कर, 320 का चक्कर आ रहा है, 5 राउंड काटने पड़ रहे हैं, तो भयभीत ना हो। जय हिंद, जय भारत।